छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के केस बढ़ने से चिंतित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। इसमें मुख्य सचिव डीजीपी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे मौजूद। सीएम ने कोरोना की जांच बढ़ाने के दिए हैं निर्देश, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का तत्काल हो सके इलाज। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई घटना को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे पर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप। कुमारी सैलजा के बयान पर अरुण साव ने किया हमला, कहा प्रदेश को अपमानित करने का काम कर रही कांग्रेस सरकार। भाजपा ने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है मिनी पाकिस्तान। इस पर कांग्रेस ने कहा कि मिनी पाकिस्तान कहना समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का है अपमान, ऐसी हरकत के लिए बीजेपी मांगे माफी। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन के मदरसों की शिक्षा पर बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने राजधानी के मोहदापारा थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने आवेदन पर शुरू की जांच। वहीं उनके बयान को लेकर विधायक सौरभ सिंह ने दी सफाई, कहा नितिन नबीन ने मदरसों को लेकर पहली बार स्टेटमेंट नहीं दिया है, पूरे भारत और विश्व के परिदृश्य में दिया है ये बयान। बेमेतरा के बिरनपुर गांव से लगे हुए कोरवाय गांव में दो और लोगों की मिली लाश, रहीम और ईदुल मोहम्मद के रूप में इन दोनों शवों की हुई पहचान। दोनों पिता पुत्र बकरी चराने गए थे जंगल की ओर। लाशें मिलने के बाद पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, गांव में 1000 पुलिस जवानों को किया गया तैनात, गांव में इंटरनेट सेवा भी कर दी गई है बंद। खाकी वर्दी में फिल्मी स्टाइल में विदाई समारोह में नेताओं की तरह रोड शो करने वाले टीआई को बिलासपुर आईजी ने किया सस्पेंड। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर होने पर थानेदार सुरेंद्र स्वर्णकार को ढोल ताशों के साथ बारातियों की तरह दी गई थी विदाई, जिसमें वे अपनी लग्जरी कार का सनरूफ खोलकर वर्दी में किया था रोड शो। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। रिटायर्ड आईपीएस डीएम अवस्थी को राज्य सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। डीएम अवस्थी को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू के बनाए गए महानिदेशक। इसके पहले 31 मार्च को डीएम अवस्थी हुए थे रिटायर्ड। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव पुलिस भट्टाचार्य ने आदेश किया है जारी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ डोंगरीपाली थाना क्षेत्र के तरेकेला में अनियंत्रित होकर पलटी बारात गाड़ी। ढोसर बहाल चौक के पास हुए हादसे में गाड़ी में तकरीबन 20 लोग सवार थे, जिनमें से दो लोगों की मौके पर ही हुई मौत और तीन की हालत है गंभीर। राहगीरों ने घायलों को भेजा बरमकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के एक कमरे से पुलिस ने युवक को युवती की लाश के साथ किया गिरफ्तार। कमरे से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। युवक का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लगा ली थी फांसी। महासमुंद निवासी बसंती यादव के रूप में हुई युवती की पहचान। महासमुंद में मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने वीडियो जारी कर पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। बिना कारण बताए बाल पकड़कर थाने ले गई पुलिस। महिला के साथ पुलिस की बर्बरता पुलिसिया सिस्टम पर खड़ा कर रही है सवाल। महासमुंद जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 अंतरराज्यीय तस्करों को है धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 150 किलो गांजा, थेटाविट लिक्विड और एक ट्रक को किया जब्त। 2,05,00,000 से अधिक आंकी जा रही है जब्त सामान की कीमत। एनपीजी का डिजिटल चैनल तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।